नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मक्का में हज के दौरान भगदड़, सैकड़ों लोगों की मौत। सऊदी अरब में मक्का शहर के मीना में हज के दौरान भगदड़ मचने से 300 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 500 लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के नागरिक रक्षा विभाग ने बताया कि मक्का के पूर्वी भाग में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मीना में यह हादसा उस समय हुआ जब करीब 20 लाख हज यात्री मीना में शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के लिए एकत्र थे। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसी महीने 11 सितंबर को एक क्रेन गिरने से 160 लोगों की मौत हो गई थी। व्यापम घोटाले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 40 जगह छापे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गुरुवार को करीब 40 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, लखनऊ और इलाहाबाद समेत कई अन्य शहरों में खोजबीन अभियान चलाया गया। सीबीआई ने व्यापम घोटाले के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 105 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। मंगलयान ने पूरा किया एक साल। भारत के पहले अंतरग्रहीय मिशन मंगलयान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए गुरुवार को एक साल पूरा कर लिया। इस अवसर पर अहमदाबाद स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने एक मार्स एटलस जारी किया जिसमें मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरे से हासिल तस्वीरों और अन्य उपकरणों से प्राप्त की गई अहम जानकारियाँ दी गई हैं। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए पिछले साल 24 सितंबर को अपने मंगलयान को सफलतापूर्वक पहले ही प्रयास में लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया था। भारत से पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ ही मंगल पर सफलतापूर्वक मिशन भेजने में कामयाब रहे थे। कुल 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था और यह 10 महीने की यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में पहुंचा था। पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी। पटना रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पटना पुलिस को फोन पर पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को चुनौती दी गई कि बचा सको तो बचा लो, 24 घंटे में बम से पटना जंक्शन को उड़ा दिया जाएगा। कॉल करने वाले ने अपना नाम अजीत मेहता बताया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।